अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा के कारोबारी ग्रुप का वज़ीर ख़जाना को खत, लिबरल हुकूमत से टैक्स में इजाफे को ख़त्म करने का मुतालबा। खत में कहा गया है कि टैक्स मुकाबले और जिद्दत को कम करके बिलाखिर मईशत को नुकसान पहुँचेगा। कनाडा ने अभी तक सिख रहनुमा के कत्ल के शवाहिद फराहम नहीं। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि हम तमाम मामलों पर सिफारती सतह पर बातचीत कर रहे हैं। भारत का कनाडा पर तशद्दुद की वकालत का इल्ज़ाम। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम मिला जुला रहने का इम्कान। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। आइंदा हफ्ते शहर में वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। इसराइली फ़ौज का मगरबी रफा पर हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद। जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए काहिरा मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। अक़वामे मुत्तहिदा में फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिलने का इम्कान। किसी को दुनिया की बड़ी एटमी ताकत को धमकाने की इजाज़त नहीं देंगे। प्योतिन का कहना है कि बैनुल अक़वामी तनाज़े का ख़तरा मोल ले रहा है। रूस आलमी तसादम को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। कनाडा के कारोबारी ग्रुप वजीर ख़जाना क्रिस्टा फ्रीलैंड को मुतनब्बा कर रहे हैं कि कनाडा के कैपिटल गेन में इजाफे के अहम असरात होंगे अगर मुमकिना नाकाबिले वापसी असरात के साथ लागू किया जाए। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के कारोबारी ग्रुप वजीर ख़जाना क्रिस्टा फ्रीलैंड को मुतनब्बा कर रहे हैं कि कनाडा के कैपिटल गेन में इजाफे के अहम असरात होंगे अगर मुमकिना नाकाबले वापसी असरात के साथ लागू किया जाए। मुल्क की 6 सबसे बड़ी सनअती तंजीमों ने फ्रीलैंड को एक खुले खत में लिखा कि मुजवजा इजाफा मौशी तरक्की को रुकेगा और आने वाली नस्लों की कीमत पर आएगा। खत में कहा गया है कि सादा अल्फाज में ये इकदाम तमाम नस्लों के लिए मौके को महदूद कर देगा और कनाडा को कम मसाबकती और कम इख्तराई मुल्क बना देगा। ग्रुप लिबरल हुकूमत से टैक्स में इजाफे को ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं, ये दलील देते हुए कि यह मुकाबला और जिद्दत को कम करके बिलाखिर मईशत को नुकसान पहुँचाएगा। अगरचा यह मुजवजा इकदाम कनाडा के खसारे का हल फराहम करने की कोशिश करता है, लेकिन ये मुख्तसर और पेचीदा है और ये ऐसे वक्त में तकसीम का बीज बोता है जब हमें इक्तिसादी तरक्की के लिए टीम कनाडा के नुक्ते नज़र की ज़रूरत है। खत पर कैनेडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कैनेडियन फेडरेशन फॉर इंडिपेंडेंट बिजनेस, कैनेडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स, कैनेडियन वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी एसोसिएशन, कैनेडियन फ्रेंचाइज एसोसिएशन और कैनेडियन कैनोला ग्रोवर्स एसोसिएशन के सरबराहों ने दस्तखत किए थे। वफाकी बजट सिर्फ $2,50,000 से ज़्यादा आमदनी वाले अफराद के कैपिटल गेन पर शमूलियत की शरह को बढ़ाता है, जिसका मतलब है कि कैनेडियंस का बहुत छोटा हिस्सा ज़्यादा टैक्स अदा करेगा। फ्रीलैंड ने 16 अप्रैल को वफाकी हुकूमत का 2024 का बजट पेश किया, जिसमें शमूलियत की शरह को बढ़ाने की तजवीज़ शामिल थी। कैपिटल गेन का वो हिस्सा जिस पर टैक्स अदा किया जाता है उन अफराद के लिए 66.7% जो सालाना $2.5 लाख से ज़्यादा कैपिटल गेन हासिल करते हैं। तब्दीलियां कॉरपोरेशंस और ट्रस्टों के जरिए हासिल होने वाले तमाम सालाना कैपिटल गेन्स पर भी लागू होंगी। बजट के नफाज के बिल में शामिल ना होने के बावजूद क्रिस्टिया फिनलैंड ने 30 अप्रैल को नामा निकारों को बताया कि कैपिटल गेन टैक्स में तब्दीलियों के लिए कानून साजी अभी बाकी है और लिबरल्स इसे 25 जून को बजट की मनसूबाबंदी की तारीख पर लागू करने के लिए पुरजम है।
भारत का कहना है कि कैनेडा ने अभी तक अलैहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल में इसके मुलव्वस होने की सबूत फराहम नहीं किए हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारत का कहना है कि कैनेडा ने अभी तक अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल में उसके मुलव्वस होने के सबूत फराहम नहीं किए हैं। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि कैनेडा ने उसे 3 हिंदुस्तानी मर्दों की गिरफ्तारी के बारे में मुतला किया है, जिन पर गुज़िश्ता साल ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है, लेकिन उसने इसरार किया कि दहली की मौत होने के बारे में कोई मुतालिका मालूमात या मखसूस सबूत नहीं मिले हैं। आज तक कैनेडियन हुकाम के जरिए इश्तराक किया गया है। भारत की वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने सहाफ़ियों को बताया कि दोनों ममालिक इस मामले पर बात कर रहे हैं, लेकिन कैनेडा पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इन लोगों को पनाह दे रहा है जो भारत के खिलाफ तशद्दुद की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने कैनेडियन हुकाम से शिकायत की थी कि हिंदुस्तान में मुनज़्ज़म जराइम से वाबस्ता लोगों को कैनेडा में दाखिले और रिहाइश की इजाज़त दी गई है। हमारी हवालगी की बहुत सी दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। जायसवाल ने मज़ीद कहा, हमारे सिफारतकारों को इस्तिस्ना की धमकी दी गई है और उनके फ़राइज़ की अंजामदही में रुकावट डाली गई है। हम इन तमाम मामलों पर सिफारती सतह पर बातचीत कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल से अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल ने कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के कहने पर हिंदुस्तानी मुलव्वस होने के मोतबर इल्ज़ाम के बाद सिफारती तनाज़ा खड़ा हो गया था। भारत ने इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। जायसवाल ने कहा, कैनेडा में गिरफ्तार 3 हिंदुस्तानी मर्दों ने अभी तक वहाँ हिंदुस्तानी सिफारतकारों तक रसाई नहीं मांगी है। तीनों कमलप्रीत सिंह 22, करण बरार 22 और करणप्रीत सिंह 28 मंगल को एक वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए और अंग्रेजी में मुकदमे की समाअत पर रजामंदी जाहिर की। उन्हें 21 मई को ब्रिटिश कोलंबिया की सूबाई अदालत में दोबारा पेश होने का हुक्म दिया गया। उन्हें गुज़िश्ता हफ्ते एडमिंटन अल्बर्टा से गिरफ्तार किया गया था। उन पर फर्स्ट डिग्री कत्ल और कत्ल की साजिश के इल्जाम आयद किए गए हैं। कैनेडा के माउंटेड पुलिस सुपरिटेंडेंट मनदीप मोकर ने जुमे को कहा कि उन अफराद के हिंदुस्तान की हुकूमत से ताल्लुक थे या नहीं, उसकी तहकीकात जारी है। तीनों मुश्तबा अफराद कैनेडा में गैर मुस्तकिल रहायशी के तौर पर मुकीम थे। कैनेडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम मिला जुला रहने का इम्कान है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम मिला जुला रहने का इम्कान है। एनवायरमेंट कैनेडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत हफ्ते की रात को 8 और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत इतवार को दिन के औकात में 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक हफ्ते के रोज दिन में बारिश का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। रात में हल्की बारिश के साथ 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इतवार के रोज शहर में धूप निकली रहेगी, जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जो रात के औकात में 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक आइंदा हफ्ते शहर में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इसराइली फौज के शुमाल के बाद मगरबी रफा पर भी हमले जारी हैं। रफा सिटी के मगरब में इसराइली बमबारी से 4 फलस्तीनी शहीद और 16 जख्मी हो गए। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इसराइली फौज के शुमाल के बाद मगरबी रफा पर भी हमले जारी हैं। रफा सिटी के मगरब में इसराइली बमबारी से 4 फलस्तीनी शहीद और 16 जख्मी हो गए। दूसरी जानब अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में फलस्तीन को मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा जुमे को दिए जाने का इम्कान है। इस हवाले से अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की जाएगी। अक्वामे मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल की रफा के रहायशी मकानात पर पीर से जारी हमलों में खवातीन और बच्चों समेत अब तक 109 फलस्तीनी शहीद और 296 जख्मी हुए हैं। एक इसराइली अहदेदार ने कहरा मुजाकरात पर तबसरा करते हुए कहा कि गजा की पट्टी में जंगबंदी और यरहमालियों की रिहाई के लिए कहरा मुजाकरात बेनतीजा खत्म हो गए हैं। तल अबीब से अरब मीडिया के मुताबिक मस्कूरा बाला इसराइली अहदेदार का मजीद कहना था कि मुजाकरात में शरीक इसराइली वफ्द ने हमास की तजावीज़ पर अपने तहफ़ुज़ात से मसाहलत कारों को आगाह कर दिया। इसराइली अहदेदार के मुताबिक इसराइल रफा समेत गजा की पट्टी के दीगर इलाकों में जंगी मुहिम तयशुदा मंसूबों के तहत जारी रखेगा। रूस के सदर प्योतिन की जानिब से मगरबी ममालिक को जंग अजीम की याद दिलाते हुए खबरदार कर दिया गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। रूस के सदर प्योतिन की जानिब से मगरबी ममालिक को जंग अजीम की याद दिलाते हुए खबरदार कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर प्योतिन ने एक बयान में कहा कि मगरब बैनुल अक्वामी तनाज़े का खतरा मोल ले रहा है। मगरब को याद रखना चाहिए, रूस ने जंग अजीम दोयम में जर्मनी को शिकस्त दी थी। रूस आलमी तसादम को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। किसी को दुनिया की सबसे बड़ी एटमी ताकत को धमकाने की इजाज़त नहीं देंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की मशक के बारे में कोई गैर मामूली बात नहीं है। ये एक मनसूबाबंदी के तहत होने वाली मशक है। बेलारूस को तजवीज़ दी है कि वह जौहरी मशक के लिए हिस्सा ले। दूसरे मरहले में बेलारूसी साथी हमारी मुश्तरका कार्रवाइयों में शामिल होंगे। व्लादिमीर पुतिन ने मजीद कहा है कि मकरूर
مغربی اشرافیہ نے نازی جرمنی کو شکست دینے میں سوویت یونین کے فیصلہ کن کردار کو فراموش کر دیا اور دنیا بھر میں تنازعات کو ہوا دی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے عزائم کی زیادتی کس طرف لے جاتی ہے۔ ہماری اسٹریٹجک افواج ہمیشہ جنگی تیاری کی حالت میں رہتی ہیں۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔